नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार की तरफ से बढ़ाए गए लॉकडाउन के बारे में और किन किन नियमों में बदलाव किया गया है इस बारे में। बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लॉकडाउन को लेकर इस बार कुछ खास छूट नहीं दी गई है और बदलाव भी ज्यादा नहीं किया गया है। इसमें कुछ दुकानों को विशेष छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अंततः बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय खोला जा सकेगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियां खुली रहेंगी। इसके साथ ही औद्योगिकी एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी। कृषि एवं इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान जारी रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कहीं भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी। निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें 1 सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे पूर्वाह्न तक खुली रह सकती है। उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रायः सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और ग्रामीण इलाके में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। लीची, आम इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। बाकी सभी कार्य वर्क फ्रॉम होम के आधार पर करते रहेंगे। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयों, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक स्थलों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वाले तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों की गाड़ी को आने जाने की छूट होगी। सरकारी कार्यालय में आने जाने वाले वाहनों को छूट होगी। वैसे वाहन जिसे जिला प्रशासन द्वारा ई पास बना है, उन्हें भी आने जाने की छूट रहेगी। सभी प्रकार के मालवाहकों को छूट रहेगी। वैसे निजी वाहन जो हवाई जहाज या रेलवे की यात्रा के लिए यात्रा कर रहे हैं और उनके पास टिकट है, उन्हें आने जाने की छूट होगी। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को आने वाले निजी वाहन को छूट होगी। अगर वाहन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वैसे लोगों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179(1) के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान विद्यालय और विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक रहेगा। नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबा टेक होम के आधार पर कार्य करेंगे। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग के साथ अनुमान्य होगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। शादी विवाह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। इसके साथ ही बारात में डीजे एवं बारात जुलूस की
इजाजत नहीं होगी। साथ ही इसकी सूचना स्थानीय थाने में 3 दिन पहले दी जाएगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में 20 व्यक्ति की अधिकतम सीमा होगी। इन सभी प्रतिबंधों को लेकर जिलाधिकारी को भी पावर दिए गए हैं। जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपयुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रबंध लगा सकते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन के अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला सही है या नहीं, इस सवाल का जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।